आप सुबह घर से जल्दी क्यों निकले? संस्कृत वाले गुरुजी के घर गया था। तो क्या उन्होंने आपको संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दिया? नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर रोज ऐसे ही आते रहोगे तो एक दिन संस्कृत सीखोगे। वाह, एक ही दिन में सारा जुनून हवा हो गया। कह तो ऐसे रहा था कि जो जो कहूंगा सब करेगा अगले 7 दिनों तक, और दूसरे दिन ही गायब। अच्छा है पीछा छूटा। गुरुजी, तुम आ गए? जी गुरुजी, मैं कल आया था तो आप बहुत देर तक ध्यान कर रहे थे, तो मैंने सोचा आज थोड़ी देर से आ जाओ। क्योंकि मेरी वजह से किसी के मान्यताओं के बीच बाधा आए ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। गुरुजी, आज क्या काम करना है? वही करो जो कल किया था, वहीं से शुरू करो। ठीक है गुरुजी। झाड़ू जहाँ रखा था वही है, उठा लो। जी। रुको, मैं देता हूँ। अरे सुनो सुदर्शन, गोपाल, ओ दुर्गा ताई, आज से हमने एक नया कचरे वाला रखा है। ये है वो कचरे वाला। आज से आप सभी अपने अपने घर का कचरा यही फेंकोगे, यही उठाएगा, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। हाँ हाँ जरूर, मुफ्त में होगा तो क्यों नहीं करवाएंगे। तो शुरू हो जाओ, बारी बारी से सबका कचरा उठा लेना। लेकिन गुरुजी, सबका कचरा साफ करूंगा तो कॉलेज जाने में बहुत देर हो जाएगी। वो तुम देख लेना, जो मैं कहता हूं उतना ही करो, वरना तुम जा सकते हो, मैंने तुम्हें यहां नहीं बुलाया। सारा कचरा साफ करके कॉलेज जाऊंगा। और कल तुम कूड़ा वही कोने में फेंक के गए थे, उसे उठाकर थोड़ी दूर एक गड्ढा है वहां फेंक के आना। जी। कल घर में तेरे काम से कोई बवाल तो नहीं हुआ ना? नहीं, बाबा ने किसी को कुछ बताया ही नहीं। सुबह जब बाबा काम पर जा रहे थे तो कहा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस ज्यादा काम मत करना। सुनिए, रेती मिट्टी उठाने का काम करेंगी? कबीरा जीवन कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीट, गल ही अल है जा मारिया, आज मसाना ठी। दीदी। ओ दीदी। हाँ, क्या हो दलिया अम्मा? रमा दिख नहीं रही है, कहाँ गई है रमा? अरे क्या पता, मिट्टी का तेल लेने गई हो। कल रात को जो नाटक हुआ रहा, भुला गई हो क्या अम्मा? अरे लेकिन रमा तो कल दोपहर में भी नहीं थी, और नाटक तो रात में हुआ था ना। आई हो, तब से गायब है। आप लोग सब अपना काम करो, रमा जहां गई होगी वापस आ जाएगी। जीजा भाई,
रमा कहाँ गई है, कुछ बताया है आपको? बता कर नहीं जाती है वो मुझे, और जहाँ भी गई हो चाल की बाकी औरतें भी कहीं कहीं जाती है, मैं पूछती हूँ सबसे। अक्सर वो मुझे बता के जाती है, लेकिन कल और आज नहीं बताया इसलिए पूछ लिया। आएगी तो पूछ लेना कहाँ गई है। जीजा भाई, रमा कल भी घर में नहीं थी और आज भी नहीं है, कहाँ गई है? आप मुझसे क्यों पूछ रही है दीदी, मुझे नहीं पता रमा कहाँ गई। आप तो ऐसे पूछ रही है जैसे मैंने ही भेजा है उसे। मुझे सच में नहीं पता रमा कहाँ है। आई, आपको पता है ना रमा कहाँ गई है, बताइए, पता है ना? पता है, काम पर गई है, मैंने ही भेजा है उसे, लेकिन ये बात मैं नहीं बताऊंगी, वो खुद बताएगी। मतलब भीमभाव ना सही रमा को काम पर भेज दिया आपने? ऐसे ही समझो। खेल है तो बोले क्या? जो जो कहूंगा अगले 7 दिन तक वो करोगे तो तुम्हें अवश्य संस्कृत पढ़ाऊंगा। इन्होंने अभी संस्कृत पढ़ना शुरू किया है, इसलिए घर से जल्दी निकलते हैं और संस्कृत पढ़ के फिर से कॉलेज जाते हैं। अब संस्कृत भी पढ़ने लगा क्या? इतना पढ़ के क्या करेगा? हमारे जात के तकदीर बदलेंगे। रमा, ये तो तेरा पति है ना? तू तो कह रही थी कि वो संस्कृत पढ़ने गया था। ये तो हमारी तरह मिट्टी फेंक रहा है, फिर जैसे ये वैसे हम, इसके पढ़े लिखे होने का क्या फायदा? हमारी तरह अनपढ़ गवार रहता वही सही था, जब काम एक ही करना है तो फिर पढ़ना क्यों? तो क्या उन्होंने आपको संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दिया? नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर रोज ऐसे ही आते रहोगे तो एक दिन संस्कृत सीखोगे। मतलब इन्होंने झूठ बोला मुझसे। और अगर मिट्टी उठा उठा के फेंकने से ही हमारी जात की तकदीर बदल जाती तो हम कब का बदल लिए होते? भीमराव तुम्हें गलत सपना दिखा रहा है, झूठी बातें कर रहा है वो। का
कहाँ जा रही है ऐसे तू? मेरे पति के बारे में उल्टा सीधा बोलेगी? तेरे साथ काम नहीं करना है मुझे। ये मिट्टी उठा के फेंक और इसके पैसे खुद ही ले। और हाँ, मेरे पति कभी झूठ नहीं बोलते। अरे सुन तो, गुरुजी हो गया सारा काम, सारा साफ कर दिया है। ढंग से नहीं किया क्या? कहाँ कह रहे थे पूरा साफ करने में बहुत समय लगेगा, और इतने जल्दी साफ कर भी दिया। अब सभी का आंगन तो एक ही है ना, यहाँ ऊपर तो मैं जा नहीं सकता। मुझे कॉलेज भी जाना है, देर हो रही है, इसलिए जल्दी किया। थोड़ा पानी पिला दीजिए ना, बहुत प्यास लगी है। किस बर्तन में पानी पिलाओ तुम्हें? तुम जिस बर्तन को छुओगे वो मुझे फेंकना पड़ेगा। आप ऐसा कीजिए, आप ग्लास में पानी लेकर ऊपर से डालिए, मैं पी लूंगा, दीजिए ना। नहीं, जाओ कहीं और से पी लेना। देखिए, मैं कहीं और जाके पानी ढूंढने लगूंगा तो और देर हो जाएगी। आपके यहाँ कुआ भी है, इतने सारे मटके भी है, दीजिए ना पानी। अच्छा रुको, देती हूँ। रुको, पानी नहीं, संस्कृत पढ़ना। इसे तो जो जो हम कहेंगे वो सब करना होगा इसे अगले 7 दिन तक। और अगर पानी यहां पीना है तो संस्कृत पढ़ने की जिद छोड़नी होगी। नहीं गुरुजी, मैं प्यासा ही कॉलेज चला जाऊंगा, लेकिन संस्कृत जरूर पढ़ूंगा। वैसे तुम संस्कृत सीखने के लिए इतने पागल क्यों हो, मेरे समझ में तो नहीं आ रहा। अब ज्यादा कुछ समझ नहीं पाएगी, अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, आप खुद एक स्त्री है। मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ और वो गुरुजी से ही सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी रमा ने भी मुझे यही कहा है, इसलिए मैं ये सब भी कर रहा हूँ। चलता हूँ। कॉलेज जा रहा हूं, थोड़ा जल्दी में हूं, शाम को आने के बाद पानी भर दूंगा मटकों में। ऐसे ही प्यासे चले गए तो कॉलेज तक कैसे चल कर जाएंगे? रुकिए ना, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दीजिए ना। Oh,
धन्यवाद। आपका आत्मविश्वास से भरा चेहरा मेरा स्वाभिमान है और मैं आपके सामने आकर आपको इस बात के लिए शर्मिंदा नहीं होना देना चाहती थी कि कल रात आपने मुझसे झूठ कहा था। इसे देख के उन्हें पता चलेगा कि इस मटके को किसी ने तो छुआ है, फिर वो जाने इस मटके का पानी पीना है या फेंकना है। रमा आ गई, तुम कहाँ गई थी? कुछ काम था। अरे रमा, तुम कल भी नहीं थी, आज भी नहीं थी, ऐसा कौन सा काम कर रही हो दो दिन से? भाऊ, ये सब बताना जरूरी है क्या? सब कुछ नहीं, तो थोड़े ही बहुत बता दो। अब भाई हम लोगन को तो चिंता होता है ना, कहा है ना कि औरतों के लिए बहुत सारा गलत रास्ता खुला होता है। अब कहीं कोई गलत रास्ते पे चल गई हो तो? किसी गलत रास्ते पर नहीं गई थी, और हाँ सही गलत समझ में आता है मुझे। बता क्यों नहीं देती कहाँ गई थी? जब कुछ गलत नहीं करने गई थी तो बता दो, नहीं तो सब अपने अपने हिसाब से सोचने लगेंगे। रमा बता दे बेटा, कहाँ गई थी? काम करने गई थी। जैसे आप सब लोग काम करते हैं वैसे मैं भी काम करने गई थी। जैसे आप सबको बहुत सारी चीजों की जरूरत है वैसे मेरी भी जरूरत है। बिना घर में बताए? हाँ बिना बताए। तो फिर वापस क्यों आई? रमा वापस आ गई ना, अब आप लोग जाओ और अपना काम करो, जाओ। चलो हमें क्या लेना देना। काम करने गई थी तो मुझे तो बता कर जाती थी। बुआ आपको बता कर जाती तो आप मुझे काम पर भेजती क्या? नहीं ना, और ये आप भी जानती हैं कि मेरा काम करना कितना जरूरी है। बच्चों आप लोग तो जानते ही हैं, पद्माकर गुरुजी की परसों तबीयत ठीक नहीं थी, आज भी हालत कुछ सुधरी नहीं है और मेरी भी तबीयत थोड़ी नासाज सी है। आप लोग एक काम करें, आज तक जो भी क्लास में पढ़ाया है उसी को दोहराएं, ठीक है? जी गुरुजी। मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं। गुरुजी रोज रोज तबीयत खराब होने का बहाना बनाएंगे तो मेरी पढ़ाई कैसे होगी? मुझे कुछ करना पड़ेगा। लौट के क्यों आ गई? कुछ पूछ रही हो मेरा माँ? वो छाया उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी, इसलिए उसके साथ काम नहीं करूंगी। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति कोई ईश्वर है जो सब उसके बारे में अच्छा बोलेंगे? ईश्वर तो नहीं है आई,
लेकिन उनके बारे में उल्टा सीधा नहीं सुन सकती हूँ।